चैनल आई एम आशिमा एंड आई एम नव्या। तो दोस्तों, आज हम कुछ स्पेशल और इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। वो सोचो क्या है? वो है हिंदी चैलेंज। तो इसमें क्या होगा, हम क से लेकर ज्ञ तक वर्ड्स को बताएंगे आपको और आप इनसे लर्न भी कर सकते हो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम स्टोन पेपर सीजर खेलेंगे। जिसकी टर्न आएगी वो क से काम करेगा या फिर जितने भी वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, वर्ण हैं, उससे काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे मस्त प्लान है। हमारा पहला वर्ण है क। तो क से हम क्या करें, स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं पहले, फिर डिसाइड होगा कि हम क्या करेंगे। स्टोन पेपर सीजर। ओ शिट, मैं हार गई। तो आप क्या करोगे, क से मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। क से कपड़े पहनना, क से काम करना, क से कपड़े सुखाना। क्या करोगे आप? मैं कपड़े पहनूंगी। ठीक है, तो फिर आप कपड़े पहन कर आओ, जल्दी जाओ। Oh my God! Wow! इसका आज का चैलेंज पूरा हो गया है, फर्स्ट वाला। तो अब नेक्स्ट चैलेंज पे बढ़ते हैं। ख से क्या क्या आता है? ख से खेलना आता है, ख से खाना बनाना आता है और ख से खाना खाना आता है। तो इसे डिसाइड करने के लिए हम स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं। स्टोन पेपर सीजर। फिर से नव्या जीती, तो फिर ये वर्ण नव्या ही पूरा करेगी। तो नव्या आप क्या लोगे? ख से खेलना, जो जो मैंने बताया उनमें से। ख से खेलना। ओके, तो नव्या ने ख से खेलना लिया है, तो फिर अब नव्या खेलेगी। तो आपको भी दिखाते हैं कि नव्या कैसे खेलती है। ख से खेलना है तो फिर मैं तो नहीं खेलने वाली, इसलिए नव्या कोको के साथ खेल रही है। ये है हमारा डॉग कोको। हाँ। तो नव्या ने ख से खेलना पूरा कर लिया है। अब कौन से वर्ण की बारी आती है? अब वर्ण है ग। तो ग से क्या क्या आता होगा? ग से गाना गाना, ग से गमले में पानी देना, और क्या क्या आता है? अभी फिलहाल हम दो ही ऑप्शन करते हैं, ग से गाना गाना और ग से गमलों में पानी देना। तो देखते हैं कि कौन पहले करता है। स्टोन पेपर सीजर। आई विन। तो फिर मैं आप ग से गाना गाओगे या ग से गमले में पानी डालोगे? मैं क्या करूँ, मैं ग से गाना गाऊंगी। ठीक है, गाओगे? ओके, तो कौन सा गाना गाऊँ मैं? तो फिर मेरे फेवरेट भगवान कृष्ण है, इसलिए मैं कृष्ण का भजन गाऊंगी। तो फिर सिर्फ फोर ही लाइन्स गाऊंगी। तो श्यामाल बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में, मैं तो बन गई दूल्हन आज सजे, बस तुम ही हो मेरे तन मन में। तो मैंने आज का गका और डेयर पूरा कर लिया है। नाइस। अब बारी आती है घर की। तो घर से घर की सफाई और घर से घूमना, घर से घास फूस निकालना। तो अब देखते हैं स्टोन पेपर सीजर। स्टोन पेपर सीजर। नव्या जीती, तो फिर नव्या का है। तो आप क्या करोगे, जो जो मैंने ऑप्शंस बताए थे उसमें? घर की सफाई। तो नव्या घर की सफाई करना चाहती है, इसलिए अब घर की सफाई करने के देखते हैं नव्या कैसे करती है। थक गई हूँ क्योंकि मैंने बहुत सफाई करी, और मुझे तो सबसे ज्यादा मजा आया क्योंकि नव्या ने झाड़ू लगाया, और सबसे ज्यादा चैलेंजेस भी और वर्ण भी उसी के उसमें आ रहे। मजा आया। फ्रेंड्स, अंग हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आपने सुना है अंग खाली। तो अब हम च पे बढ़ते हैं। तो च से क्या क्या आता है? च से चौनप्राश खाना, चौनप्राश खाना, च
जैसे चाय बनाना, जैसे चाय पीना, तो अब देखते हैं कि किसका आता है। चलो स्टोन पेपर सीजर। तो मेरा आया, तो मैं अब इस गेम में मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है, इसलिए अब नव्या डिसाइड करेगी या फिर जो दूसरा प्लेयर होगा वो डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना चाहिए। तो अभी मेरा चर्सी है, तो फिर नव्या डिसाइड करेगी कि क्या आ रहा है। आप चाय बनाओ। ये मुझे पता था कि ये चाय बनाने को ही देगी मुझे, तो अब इसने बोला है चाय बनाने को रूल यही है, तो फिर अब चाय बनाते हैं। चलिए सो फ्रेंड्स, अब चर्सी चाय बनानी पड़ेगी क्योंकि नव्या का डेयर है, और अब नव्या की अगर उसमें कोई आया तो फिर मैं उसे सबसे टफ वाला दूंगी। सही है, अब चलिए चाय बनाने चलते हैं। ये रहा मेरा वेसल, और इसमें चाय बनाए मैंने पानी रखा है, तो आपको दिखाती हूँ मैं चाय कैसे बनाती हूँ। A few moments later. तो नव्या ने ये वाला टास्क पूरा कर लिया है। वो अभी बारिश में गई थी, पर लक अच्छा है नव्या का क्योंकि बारिश आ गई थी इसलिए। तो अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। क्या है? ज। तो जैसे क्या क्या आते हैं? जूस बनाना, जूस पीना और जोकर बनना। तो चलिए स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं उसके अकॉर्डिंग। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। ओके, तो मैं जीती, मेरा है तो मैं, तो नव्या का है। क्या होगा तीनों में से? जैसे आप करोगे जोकर तो आप बन जाओगे, जोकर बनना आसान है, जूस पीना भी आसान है, पर जूस बनाना तो नहीं आता ना आपको। आज नव्या जूस बनाएगी पहली बार क्योंकि इसे जूस बनाना नहीं आता है। तो चलो देखते हैं कैसे जूस बनाती है। फ्रिज में देखा कि ऑलरेडी जूस बना हुआ था और इसमें बस पानी डालना है तो ये जूस बन जाएगा, तो मैं इसे बनाती हूँ। तो मैंने बना दिया जूस। मैं भी टेस्ट करती हूँ कैसा है। देखते हैं नव्या ने कैसा जूस बनाया।